यदि आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है वो भी इलेक्ट्रिकल से, तो आपको सेफ्टी फील्ड में कौन सा कोर्स करना चाहिए, आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या जो इलेक्ट्रिकल की सैलरी है उसमें और फिर सेफ्टी की जो सैलरी मिलेगी उसमें कुछ अंतर है या सेम सैलरी मिलती है। तीन दोनों बातों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आपने मुझे मेल किया था और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आए हैं कि हमने आईटीआई कंप्लीट कर लिया था और अब मुझे सेफ्टी का कोर्स भी करना है, तो क्या मैं हेल्थ सेफ्टी करूं, फायर सेफ्टी करूं, फूड सेफ्टी करूं, और उसमें भी तमाम कैटेगरीज हैं, उनमें से क्या किया जाए जो हमारे लिए बेहतर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करूंगा वो अपने इस फील्ड में वो एक्सपीरियंस के आधार पर और अब तक जो देखा गया है उसके आधार पर मैं हर एक बात बताऊंगा जो आपको कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, ना ही यह जानकारी कोई आपको बताता है, ना ही आपसे शेयर करता है। अगर आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है वो भी इलेक्ट्रिकल से, तो आपके लिए मात्र एक कोर्स बच जाता है, वह है फायर सेफ्टी का। इलेक्ट्रिकल से कंप्लीट करने के बाद से फायर सेफ्टी का कोर्स आपके पास ऑप्शन बच जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी जो इलेक्ट्रिकल में पाती है, सपोज करिए कि इलेक्ट्रिकल कोर्स करने के बाद 25,000 रुपए की सैलरी पाते, लेकिन अगर आपने फायर सेफ्टी का कोर्स उसके साथ कंप्लीट कर लिया तो आपकी जो सैलरी होगी वह डबल हो जाएगी, यानी वह 50 प्लस चली जाती है। तो बेनिफिट है, यानी इलेक्ट्रिकल कोर्स करने के बाद एक महीने में आप जितना कमाएंगे सेफ्टी फील्ड में, आप एक महीने में 2 महीने की कमाई आपकी हो जाती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है और आपको देश विदेशों में काम करने का मौका मिलता है। आप इंडिया में काम कर सकते हैं या बाहर के देशों में काम कर सकते हैं। ये जो सैलरी मैंने बताया ये हम इन्हें इंडिया के में जो सैलरी मिल रहा है जो लड़के पाए उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सैलरी बताई। अब एक दूसरी बात कि अगर फायर सेफ्टी में आप जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रियल डिप्लोमा करना चाहिए, एडवांस डिप्लोमा करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए या इंजीनियरिंग करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फायर सेफ्टी में जो कैटेगरीज हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन क्या है। आपने आईटीआई कंप्लीट किया तो जाहिर सी बात है कि आपने 10वीं पास कर लिया होगा। इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12वीं पास करने के बाद भी आईटीआई में जाते हैं, तो यदि 12वीं आपने पास कर लिया है तो सिर्फ एक कोर्स आप अपना बना लो जिसका नाम है फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट अगर 12वीं के बाद होता है, यदि ये कोर्स आपने कर लिया तो वास्तव में आपकी सैलरी जो होगी वो काफी अच्छी होगी और बहुत ही बेहतर सैलरी होगी। कहीं इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो कंपनियां आपको पहली प्रायोरिटी देगी, पहली बार में आपको आपका सिलेक्शन होगा, आपको मौका मिलेगा। तो मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर कोर्स होगा आपके लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आपने इंटरमीडिएट पास नहीं किया, हाई स्कूल तक ही पढ़ाई आपने किया, तब भी आपको जो है तब इंडस्ट्रियल आप डिप्लोमा कर लें, इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा आप कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी कर सकते हैं, तो ये 10वीं बेस पर भी हो जाता है। तो दोनों में अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आई होप कि आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा कि आईटीआई करने के बाद अगर इलेक्ट्रिकल से कंप्लीट किया तो आपको सेफ्टी में कौन सा कोर्स करना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ, बहुत से लोगों का ये मानना है कि नहीं, आईटीआई मैंने इलेक्ट्रिकल से कंप्लीट किया और मैं हेल्थ सेफ्टी करना चाहता हूँ। बेशक आप कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं कोर्स करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। अगर इलेक्ट्रिकल में आप माहिर हैं तो फायर सेफ्टी का जॉब आपको आसानी से मिलेगा, कंपनियां पहली प्रायोरिटी देंगी। हेल्थ सेफ्टी में आप जाएंगे तो आपका दोनों फील्ड जो है डिफर कर रहा है। हाँ, अगर वही कोई सिविल सुपरवाइजर होता, सिविल से होता, सिविल ड्राफ्टमैन होता और वह हेल्थ सेफ्टी का कोर्स करके जा रहा है तो कंपनी उसे और भी मौका देती है, उसे पहली चांस देंगी, प्रायोरिटी देंगी। लेकिन आपने चूंकि इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपके फायर सेफ्टी में आपको प्रमोट कर देगा और आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और आप बेहतर कर भी पाएंगे। तो ये सब कुछ उनके एडवांटेज हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं जो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आईटीआई के बाद, इलेक्ट्रिकल के बाद आप करना चाहते हैं तो पहली प्रायोरिटी आप रखें फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में। इसके बाद दूसरी प्रायोरिटी आप रखें, अगर किसी वजह से नहीं कर पा रहे तो आप जो है एडीआईएस यानी एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी में जाइए। 10वीं पास है तो आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिप्लोमा इन
फायर सेफ्टी आप कर सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।